हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग लेसन नंबर 7 में मेंसुरेशन लेसन में हैं एंड हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द सर्फेस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल। ये बॉल है शोन इन द फिगर। सो what you have to find, surface area and volume of a beach ball. So let's start. So what is given here, diameter of the beach ball is given, that is 42 centimeter. Okay, aapko diya kya 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 hai, diameter of the beach ball, it is equal to 42 centimeter. Okay, so radius will be, radius r equal diameter upon 2, that is 42 upon 2, 2 2s are 4, 2 1s are 21 centimeter. You got a radius 21 centimeter. So say formula dalna hai aur sum karna hai. Now surface area of the beach ball is equal to 4 pi r square. To aapko pi yahan 4 into 3.14 into 21 into 21 use kariye. Okay. Now 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5, 4 3s are 12 into 441. अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। डूइंग हियर 1256 into 441, 6521. ओके, देन 4 6s are 24, 2 carry 4 5 20, 22, 2 carry 4 2s are 8, 9, 10, 4 1s are 4, 5. अगेन सेम थिंग रिपोर्ट होगा 4 2 0 5 6 9 8 3 5 5, तो आई गेटिंग 55 5 3 8 9 6। डेसिमल पॉइंट यहाँ डाल दीजिए। तो ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द बीच बॉल है। इतना क्लियर? अब आपको क्या ढूंढना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल 4 by 3 pi r square cube। तो इट इज़ इक्वल टू 4 by 3 into 3.14 into 21 into 21 into 21, 3 7s are 21। ठीक है, अब आपके पास इसके पहले का आंसर जो है वो कर लीजिए। 4 into 3.14 is 12.56 into 21 into 21 441 into 7। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, 5 5 3 8.96 into 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 6s are 42, 4 carry 7 9s are 63, 64, 65, 66, 67. ओके, 6 carry 7 8s are 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. ओके, 2 6 carry 7 3s are 21, 27, 2 carry 7 5s are 37, 3 carry 7 5 35, 36, 37, 38. तो ये आपको मिलता है वॉल्यूम 8772.72 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में आंसर मेंशन कर दीजिए, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द बीच बॉल इज इक्वल टू 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल इज इक्वल टू 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। सो बाय दिस वे ये अपना 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब 12th पे चलते हैं। हर शोन इन फिगर आपको क्या दिया, एक सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन दिया है विथ अ वाटर ब्रिम। ठीक है, वाटर ब्रिम तक भरा हुआ है। ए मेटल स्पेयर ऑफ डायमीटर, एक कोई तो भी सिक्का या मेटल की चीज़ जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, वो पानी के अंदर इमर्ज्ड है। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर वाटर रिमेन इन द ग्लास। तो जैसे कि हम हमारे पास जो जो है वो लिख देंगे, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे इसको, रेडियस आर इक्वल 14 अपॉन 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट
दैट इज एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इट हैज बीन गिवन. वाटर कितना तक भरा हुआ है? ब्रिम तक. वाटर इज फिल्ड टू द ब्रिम. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ग्लास इज पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू पाई उतने ही रखो पाई इंटू 7 × 7 × 30 ठीक है. 7 × 7 = 49, 49 × 3 = 3, 9 = 27, 12 = 13, 14 और इसका 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब. इतना क्लियर हो गया. अब उसके आगे अभी उसके अंदर जो स्पेयर कॉइन बॉल है मेटल द डायमीटर ऑफ द मेटल स्पेयर इट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर उसका रेडियस जो हो जाएगा रेडियस को आर वन दे दो 2 / 2, 2 × 1 = 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 πr³. फाइन इट्स इक्वल टू 4/3 × π × 1 × 1 × 1 फाइन 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है तो 4/3 π हो जाएगा. 4 को 3 से डिवाइड करिए 3 × 1 = 3, 1.0, 3 × 3 = 9, 1.0, 3 × 3 = 9, 1.0, 3 × 3 = 9 ऐसे रिपीट होगा. सो यू आर गोइंग टू राइट 1.33 π cm³. इतना क्लियर हो गया. अब जब वाटर के अंदर स्पेयर इमर्स होता है व्हेन स्पेयर इज इमर्स्ड इन द ग्लास ठीक है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ठीक है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ वो क्या था 1.33 π cm³. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ठीक है. इट्स इक्वल टू 1470 π - 1.33 π ठीक है. तो कैसा है 1470 हाँ पॉइंट ज़ीरो तो डाल दो यहाँ 33.1 ऐसा आएगा माइनस करोगे डायरेक्टली माइनस करना नहीं है कट टेन 7, 9 - 3 = 6, 9 - 1 = 8, 6 होता है ये 4, 1 सो दिस इज योर आंसर 1468.67 π cm³. आया समझ में क्या किया है हमने? तो लास्ट में आप आंसर मेंशन कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास इज इक्वल टू 1468.67 π cm³. होप यू हैव अंडरस्टैंड. ये आपका 12th क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट का ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है फ्रस्टम. फ्रस्टम का फॉर्मूला है फ्रस्टम ऑफ अ कोन. फाइन नो फ्रस्टम क्या होता है? कोई भी जो आप कोन लेते हो जैसे कि यहाँ एक कोन दिया है कोन को अगर आप इंक्लाइन प्लेन से कट करोगे ऐसे कट करोगे तो आपको ये शेप मिलता है. जैसे कि हमारे पास पानी का ग्लास होता है ठीक है ये पानी का ग्लास है आपके पास तो ये वैसे फ्रस्टम का शेप देता है. फाइन तो दिस इज फ्रस्टम. तो कोन से कट के बनता है. अगर ये कोन होता तो ये ऊपर शार्प होता तो हमने इसको एक प्ले कट किया बीचों बीच तो हमें एक इस तरह की फिगर मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन. क्लियर. तो व्हेन अ कोन इज कट सॉरी
सो वेन यू कट अ कोन पैरेलल टू द बेस, तो आपको दो चीज मिलता है, एक तो कोन मिलता है, एक तो अदर, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसकी हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस, और ऊपर का रेडियस अलग होता है इसका। वॉल्यूम एंड सरफेस सिर्फ फ्रस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला गिवन बिलो, ठीक है। क्या फॉर्मूला दिया है, सी ये, अगर आपको हाइट ऑफ अ फ्रस्टम एच एल इज, स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम आर वन एंड आर टू इज द रेडियस ऑफ द फ्रस्टम, क्योंकि आर वन जो है ग्रेटर देन है रेडियस टू से। अगर आपको स्लैंट हाइट ढूंढना है, सॉरी, अगर आपको स्लैंट हाइट ढूंढना है फ्रस्टम का, तो फॉर्मूला है एल इक्वल एस स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू द होल स्क्वायर। कर्व सरफेस ढूंढना है तो पाई एल, पाई इंटू एल इंटू आर वन प्लस आर टू। टोटल सरफेस एरिया पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इज वन बाई थ्री पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। इतना पार्ट क्लियर? तो इस बेस पर हम सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे अभी। ये जो बकेट है, वॉट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ बकेट इज अ फ्रस्टम शेप, हाइट इज 28 सेंटीमीटर, रेडिया ऑफ द सर्कुलर फेसेस आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर। ये 12 है और ये 15 है। यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। कैपेसिटी ऑफ द बकेट का मतलब क्या है, वॉल्यूम ढूंढना है आपको, ठीक है। सो आर वन इज 15 सेंटीमीटर, आर वन हमेशा याद रखना बड़ा रहेगा, आर टू इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 28 सेंटीमीटर। सो कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। इट्स इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 12, ठीक है। 4 ये आपको मिलता है 22 इंटू 4 अपॉन 3। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस 15 इंटू 12 इज 15, 2 30 और 15 1 15, तो इसको प्लस किया तो 180 आता है आपको। तो पहले सबको प्लस कर दीजिए, 22 इंटू 4 अपॉन 3, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 0 0 होता है, 9 ही होता है, 2 6, 6 प्लस 8 इज 14, कैरी 2 3 4 एंड 5, क्या मिल गया 549, ठीक है। 222 इंटू 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू इंटू 549। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 1 3, 3 8 24, 3 3 9, आपको 183 मिल गया। 22 इंटू 4 इज 88, 88 इंटू 183, नो मल्टीप्लाई, 8 3 24, 8 8 64, 65 66, 8 1 8 14 हो जाएगा, सेम 44 6 4 1 4 10 11 6 1, तो क्या मिलता है 16,104 सेंटीमीटर क्यूब। अब बकेट में तो हम वाटर लीटर में लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको 1000 से आप ये करोगे डिवाइड करोगे, सो इट विल बिकम 16.104 लीटर ऑफ वाटर। समझ में आया? तो देयरफॉर कैपेसिटी टू, सॉरी, ऑफ द बकेट इज इक्वल टू 16.104 लीटर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने सॉल्ड एग्जांपल वन कर लिया। लेट प्रोसीड टू सॉल्ड एग्जांपल टू। एज इट इज गिवन, रेडिया ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ फ्रैक्चर इज 14, तो एंड 8 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है, आर वन इज 14 सेंटीमीटर एंड आर टू इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आपको तीन चीज़ें ढूंढनी है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम। कर्व सरफेस के लिए आपको स्लैंट हाइट लगेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट विल फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, दैट इज इक्वल टू एल, इट्स इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू द होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है आपका, 8 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 द होल स्क्वायर, अंडर स्क्वायर 8 का 64 होता है, प्लस
14 माइनस 8 इज 6 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100। स्क्वायर का 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो आपको L क्या मिल गया 10 सेंटीमीटर। दिस मच इज क्लियर। अब हमको L मिल गया है, अब हम कर्व सरफेस एरिया ढूंढेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। सो यहाँ आर 8 है तो आपको यहाँ पाई की वैल्यू मोस्टली आपको 3.14 यूज़ करनी है। तो 3.14 इंटू एल इज 10 इंटू आर वन इज 14 प्लस 8, ठीक है, तो ये होता है 31.4 इंटू 14 प्लस 8 इज व्हाट 22। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 31.4 इंटू 22, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 8 2 6 10 9 6, तो क्या मिला 690.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिल गया कर्व सरफेस एरिया। अब ढूंढेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम is equal to pi L into R1 plus R2, take wait, plus pi R1 square plus pi R2 square, ठीक है। तो अब वैल्यू डालो, इट्स इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 8 इन प्लस 3.14 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 8 स्क्वायर। यह हमने ऊपर किया है, इसका आंसर हमें 690.8 मिला है। प्लस अब ये सबको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 14 ज़ा इस 196, तो 314 इंटू 196 करना है, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9 10 11 12, 3 1 कैरी, 9 ज़ा 27 28, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 4 14, 8 9 10 11 12 16, 8 9 10 11 3 4 5 6 8, ये 12 है ना, ये 5 हो जाएगा, तो यू विल गेटिंग 615.44 प्लस नाउ 3.14 इंटू 88 जाए 64, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 6 3 जा 18, 6 9 कैरी 10 10 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 200.96। सबको प्लस करिए, ठीक है, सबको प्लस करिए, क्या है 690.8 प्लस, यहाँ एक ज़ीरो डाल दीजिए, 615.44 प्लस 200.96, 10 8 9 9 9 18, 18 प्लस 4 इज 22, 2 कैरी 7 9 10 6 12 13 14 15, तो क्या मिलता है 1507.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमें ये मिल गया। अब लास्ट में आपको क्या बोला है वॉल्यूम ढूंढने को, इट इज़ 1/3 पाई एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 8, ठीक है, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 64 प्लस 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, सबको प्लस कर दीजिए, इट्स इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8, हाँ 6 10 12 9 10 16 17, हमें ये मिल गया था। एक्चुअली पानी गिर गया तो मेरा पेज पूरा ख़राब हो गया, सो आई एम डूइंग इन नेक्स्ट पेज ना।
सो इट्स इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 6 7 8 प्लस 4 इज 12, 2 1 कैरी 9 10 16, 17 7 1 कैरी 1 2 3, तो 372 मिल गया। सो कट करिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, तो आपको मिलता है 3.14 इंटू 8 इंटू 124। सो 314 और 124 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16, 4 1 4 5, 4 3 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, 6 13, 8 9 8 3। अगेन इसको आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 6 48, 8 3 24, 25 26 27 28, 8 2 8 9 72, 73 74, 7 carry, 8 8 64, 64 plus 7 is 74 plus 7 is 71, 65 66 67 68 69 70 71, 8 3 24, 25 26 27 28 29 30 31, डेसिमल पॉइंट यहाँ डाल दीजिए। सो योर आंसर इज 3114.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आप आंसर में लास्ट में लिख देना है जो जो ढूंढने बोला था आपको। पहले था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, इट्स इक्वल टू 690.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल सरफेस एरिया of the frustum, it's equal to 1507.2 centimeter, and volume of the frustum is equal to 3114.88 centimeter cube। इस तरीके से आपका ये सॉल्व एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।